हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं दोबारा सैनी जी के पास आया हूँ। आपने जो जो जनरली क्वेश्चंस पूछे थे हमारे कमेंट सेक्शन में, उन्हीं का आंसर हम इनके पास लेके आए हैं और जानते हैं कि जो आपने क्वेश्चंस पूछे थे उनका आंसर एक्चुअल में है क्या। तो ये एक्चुअल जो वीडियो है ये काफ़ी बड़ा बन गया था, अप्रोक्स 26 मिनट का वीडियो बन गया था। तो मैंने इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में मैंने कर दिया है। ये अभी जो आप देख रहे हैं ये पार्ट वन है और इसके बाद मैं एक या दो दिन बाद इसका पार्ट टू भी जल्दी से अपलोड कर दूँगा। तो आप ये हमारा जो सीरीज है क्वेश्चन एंड आंसर का पार्ट वन और पार्ट टू आप पूरा देखिए। इसमें आपको पूरी डिटेल जानकारी आपको मिलेगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में और पर्टिकुलर अभी जो ओकिनावा के आई प्रेज जो अभी आने वाली है तो भी आपको पूरी डिटेल जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये आप वीडियो बीच में स्किप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलेंगी। जैसे कि आपको अपनी बैटरी की रख रखाव कैसे करना है या आपको अपनी जो बैटरी की एवरेज है वो कैसे इम्प्रूव आप कर सकते हैं और भी काफ़ी सारी इसमें जानकारी आपको मिल जाएंगी। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये वीडियो आप स्किप मत करिए, ये पूरा वीडियो देखिए। इसका पार्ट वन अब ये वाला है और इसके बाद में पार्ट टू बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, हम जल्दी से अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आपके क्वेश्चन के आंसर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एनी टेक। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी खास होने जा रहा है क्योंकि सैनी जी अप्रोक्स 2 महीने बाद हमारे यूट्यूब चैनल पर आए। तो इनको लाने में मेरे को अप्रोक्स 2 महीने लग गए। आप लोग के मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रहे थे, सर आपका पार्ट टू कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो आज है 1 जनवरी और आज के दिन ही सैनी जी को मैंने बिल्कुल पकड़ के रखा है, इनको कहीं मैंने जाने नहीं दिया। चलिए हम अपना वीडियो जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो सैनी जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको दोबारा हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आकर वो कैसा महसूस हो रहा है। सबसे पहले तो आशीष जी, थैंक यू ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। व्यस्तता के कारण मैं समय नहीं दे पाया। और दूसरा ये हमारा ऑनर है, ऐसा नहीं है कि हम समय नहीं दे रहे थे, हमारा ऑनर है कि सर हमें याद करते हैं। आप सबको नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं, आपके परिवार को, सर के व्यूअर्स को, और अच्छी नॉलेज देते हैं तो रेडी हैं हम लोग, जैसे भी जो सर पूछना चाहें हम सवालों के जवाब देने के लिए। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, मेरे कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे कमेंट आए हैं कि सर ये एच और वोल्ट का क्या माजरा क्या है। इसी एक नॉर्मल बंदे को समझाना चाहें कि भाई एच और वोल्ट क्या होता है, तो उसके बारे में थोड़ा आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे। एच जो है वो एम्पेयर आवर होते हैं, नंबर एक। एम्पेयर जो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी की एक यूनिट होती है, जैसे हमारा अगर हम देखें तो दूध को मापने के लिए लीटर होता है, सामान को मापने के लिए आपका किलो होता है, सब्जी लेने जाते हैं, ऐसे ही करंट को मापने के लिए एम्पेयर होता है। तो जितना ज़्यादा एम्पेयर होगा पर आवर उतना ज़्यादा करंट होगा, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा उसे कैपेसिटी होगा। आप अक्सर बहुत सारे व्यूवर्स हमें पूछते हैं, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, कि मैक्सिमम कंपनीज में जो है 20 AH की बैटरी आती है। लोग बोलते हैं हमारी जो गाड़ियां हैं जो रिज 30 हैं या रिज है उसमें 24 AH की बैटरीज आती हैं, तो वो कहते हैं यार सेम ही है, लेकिन उनमें क्या कि 250 वाट की मोटर होती है, हमारी गाड़ी में 800 वाट की मोटर होती है। तो अगर आप 250 वाट की गाड़ी में 20 AH की बैटरी करोगे तो वो उसको उठा पाएगी या जबरदस्ती उठा पाएगी, जिससे उससे क्या होगा, या तो आपकी माइलेज कम होगी, ठीक है, और आपने देखा, और या फिर उसकी स्पीड कम होगी। तो अक्सर आपने देखा होगा कि दूसरी कंपनियों की जो गाड़ियां होती हैं उनकी टॉप स्पीड 40 से ऊपर नहीं जाती, जबकि सेम सेगमेंट में हमारी गाड़ी की टॉप स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर तक जाती है। वो इस एच वैल्यू के एक रीज़न है उस चीज़ का, क्योंकि हमारी मोटर 800 वाट की होती है। तो ये तो हो गया आपका एच का रीज़न कि जितना एच ज़्यादा होगा पर आवर उतना पर आवर वो करंट ज़्यादा उठा सकेगी, इसका मतलब उसका कैपेसिटी जो लोडिंग कैपेसिटी है या पावर का वो ज़्यादा होगा उस गाड़ी का जिसकी एच वैल्यू ज़्यादा होगी। हाँ जी, तो दोस्तों मेरे को उम्मीद है कि आपको एएस का एएस के बारे में आपको काफ़ी डीप इन्होंने नॉलेज प्रोवाइड की। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अप्रोक्स जो मेरे व्यूवर्स हैं अप्रोक्स 6 से 7 महीने से वेट कर रहे हैं ओकिनावा आई प्रेस का, जो कि अभी जस्ट जनवरी में शायद अभी लॉन्च होने वाला है, तो उसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं इसका प्राइस और ये कब लॉन्च होने वाला है। ठीक है सर, आई प्रेस तो लॉन्च हो चुका है, नंबर एक बात,
कंपनी ने ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है आई प्रेस की, लेकिन उन्होंने बुकिंग प्री बुकिंग ओपन करी है, यानी कि कंपनी ने सिर्फ 500 यूनिट बना रही है, 500 गाड़ियां बना रही है, वो 500 गाड़ियां जो हैं जो कस्टमर बुक करेगा उन्हीं को दी जाएंगी। अब आ गई प्राइसिंग को लेकर बात, प्राइसिंग में कंपनी ने प्राइस डिस्क्लोज नहीं करा है, बट मैं थोड़ा सा हिंट इसलिए दे रहा हूँ कि उसका प्राइसिंग 120 के आसपास इसलिए जा सकता है, कई लोग हमें भी आगे बोलते हैं कि जी महंगा है, जितनी भी आपने गाड़ियाँ देखी हैं उनके अंदर जो है वो एक बैटरी होती है, ये कंपनी की तरफ से ऑफिशियल नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ ये मेरा अपना है एक एज ए डीलर मेरे को अपना, कि उसमें लिथियम की दो बैटरीज होंगी, अगर आप एक लिथियम की बैटरी की भी बात करें ठीक है, तो उसका एक कॉस्टिंग जो मार्केट में अवेलेबल है वो आपका 35 से 40 हज़ार रुपये है, तो अगर किसी गाड़ी में दो बैटरी लिथियम की लगी हुई हैं तो आप ये सीधा मान के चलिए कि उसके अंदर जो उसकी कॉस्टिंग है उसका 60-70% हिस्सा वो बैटरी ही लेके जा रही है, तो वो उससे प्राइसिंग मैटर करता है। हाँ अगर इसमें एक सिंगल बैटरी मिली आपको सिर्फ, तो मे बी प्राइसिंग थोड़ा सा कम या कुछ भी हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। चलिए दोस्तों, तो आपको इसका प्राइस और प्लस ये कब लॉन्च होगी, जैसे कि इन्होंने बताया कि लॉन्च तो हो गई है मगर अब अप्रॉक्स 500 यूनिट ही कंपनी अभी मैन्युफैक्चर कर रही है, तो जैसे ही यहाँ पे अगर बाई चांस आती है आईप्रे तो सबसे पहले जो उसका डेमो है आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो बीच में भी एक आई थी, उड़ती उड़ती आई थी खबर आई थी कि ओकिनावा रिच का एक इंटेलिजेंट मॉडल में एक इलेक्ट्रिक स्कूटी आ रहा है, तो इसके ऊपर कुछ आप करेंगे? इसमें कोई उड़ती खबर नहीं है, ये कन्फर्म है और गाड़ियाँ जो है हमारी, क्योंकि जो आपका कंपनी की वेबसाइट है उस पर तो कहीं नहीं दिया है। आई एम एक्सप्लेनिंग दिस कि रिज प्लस एक्चुअली कंपनी दिवाली पे लॉन्च कर चुकी है, तो रिज प्लस गाड़ी तो लॉन्च हो चुकी है लेकिन उसमें कुछ उन्होंने इम्प्रोवाइजेशन करा है। इम्प्रोवाइजेशन में क्या करा है कि उन्होंने टेक्नोलॉजी एनेबल इसको किया है, लाइक उसके अंदर GPS ट्रैकर होगा, आपकी गाड़ी कहाँ है आप अपने मोबाइल से देख सकते हैं, आप उस गाड़ी पे को कहीं भी बंद कर सकते हैं अपने मोबाइल से, आपको लगता है चोरी हो गई गाड़ी मेरी है ठीक है, आप अपने मोबाइल से उसको कंट्रोल करते हो, गाड़ी चलना बंद हो जाएगी मोबाइल से, कहीं भी स्टॉप कर सकते हैं। नंबर 3, आपकी गाड़ी की सर्विसिंग मांग रही है, हमें पता नहीं चलता इलेक्ट्रिक को, मैंने 90% ये देखा है कि 90% लोगों की प्रॉब्लम इलेक्ट्रिक गाड़ी की इसलिए है कि वो खुद उससे अवेयर नहीं, उसको लगता है कि इंजन नहीं है तो इसको सर्विसिंग की ज़रूरत नहीं है, तो उसकी वजह से उनका यूसेज सही नहीं होता, तो उस गाड़ी को कब किस चीज़ की सर्विस की डिमांड है वो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल पे उस ऐप पे आपको अलर्ट आ जाएगा कब इसकी सर्विसिंग अलर्ट है ठीक है। हर और एंटी थेफ्ट होगा, चोरी हो गया वो ट्रैकिंग बेस ही है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं और ये गाड़ी तो अवेलेबल है बट इसका जो इम्प्रोवाइजेशन है वो ऐड होके आ रहा है, तो नई गाड़ी कोई नहीं है, वो गाड़ी वही है, वो सिर्फ उसमें टेक्नोलॉजी अनेबल करा है और वो गाड़ी सब कुछ सही रहता है, तो इसी महीने हम आपको डेमो यहाँ देंगे उस गाड़ी का, ये श्योर है गाड़ी हमने वो हमारे कुछ कस्टमर की गाड़ी वो आने वाली है हमारे पास, और जैसे ही आती है हम सबसे पहले आपको इसके लिए स्पेशल बुलाएंगे। पर्सनली मेरे को एक डाउट ये है कि जैसे कि आपने बताया कि ओकिनावा आई प्रेज में दो बैटरीज आएंगी, तो क्या उसका जो रेंज है क्या रेंज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा अगर दो लिथियम अगर बैटरी किसी इलेक्ट्रिक स्कूटी में आती है, तो जो उसका रेंज है वो अप्रॉक्स कहाँ तक जा सकता है? देखिए इशू ये नहीं है कि उसमें दो बैटरियाँ आते हैं, इशू ये है कि वो दो बैटरियाँ कितने AH वैल्यू में आती हैं ठीक है, वोल्ट तो हमारे पहले 72 ही हैं तो 72 ही बनने चाहिए, क्योंकि मैंने कहा ना कि हमें ऑफिशियली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है प्रोडक्ट के बारे में, तो मैंने जैसे बताया कि जितना ज़्यादा AH वैल्यू होगा उतना ज़्यादा वो क्या कहते हैं कि उसका स्पीड बढ़ेगा आपकी गाड़ी का, तो स्पीड ऑलरेडी हमारा बहुत अच्छा है प्रेज का स्पीड, नो डाउट। सो अब वो कितने जो है बैटरी बढ़ाते हैं, अगर सेम कैपेसिटी रखते हैं, क्योंकि मेरा पर्सनल ओपिनियन है कैपेसिटी या जो पावर है वो सेम ही रहने वाला है, इसकी एवरेज कैसे बढ़ेगा, अभी जो गाड़ी का एवरेज है 150 के आसपास है जो प्रैक्टिकल एवरेज है ठीक है, अगर आप उसको नॉर्मल चलाते हो तो 120 के आसपास ही आता है
अदरवाइज इसको अगर आपने एवरेज में 150 किलोमीटर का कोई चलाना चाहे तरीका चलाने का, कुछ कस्टमर के व्यूज़ भी हैं जो चलाते हैं, अदरवाइज ना चलाने वालों के, मैं आप ही को हूँ, आप ही मेरे कस्टमर ही हैं, तो सर का 90 से ऊपर नहीं जाता, सो वो सब वो एक अलग चीज़ है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहूँगा। लेकिन अगर किसी गाड़ी में दो लोग बैठे हैं, सिटी ड्राइव कर रहे हैं आप, बार बार ब्रेक लगा रहे हैं, एक्सलेटर एकदम दे रहे हैं, उसकी जगह अगर मैं कह दूँ सवारी एक हो जाए, एक्सलेटर आप बार बार ना दें, प्यार से दें, ब्रेकिंग कम हो, तो आपकी नॉर्मल गाड़ी की एवरेज बढ़ती है। जो पर्सन ये बोलता है कि मेरी 90 चल रही है, 100 चल रही है नॉर्मल कंडीशन में, उसकी 120 आराम से चल जाती है। तो हमने इसमें क्या हुआ कि कंपनी ने अगर बैटरी लिथियम आयन करी तो 40 किलो वज़न कम हो गया आपकी गाड़ी का। 40 किलो अगर वज़न कम हो गया तो मेरे हिसाब से एक बंदा कम हो गया, एक पैसेंजर कम हो गया, उससे एवरेज बढ़ गया, राइट। तो अगर आप ये कहते हैं कि मेरी 90 चल रही है तो सर की 120 चलेगी, अगर मेरी 120 चल रही है मेरी 150 चलेगी, अगर कोई बहुत अच्छे एवरेज लेने वाले 150 है तो उनकी 180 भी चल सकती है। बहुत सिंपल लॉजिक है, गाड़ी हल्की हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है जो मैं मेन पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, हमारे जितने भी कस्टमर्स आते हैं वो ये बोलते हैं अरे प्रेस बहुत हैवी है, ये तो मेल पैसेंजर के लिए गाड़ी है, ड्राइवर के लिए है। हमारे जितने फीमेल कस्टमर्स हैं उनका सबका अट्रैक्शन ओकिनावा की प्रेस पे जाता है, लेकिन वो कहते हैं भारी है। हमारे फीमेल जो पैसेंजर्स हैं या जो ड्राइवर्स हैं या जो कस्टमर्स हैं आने वाले, जो प्रेस को सोचते हैं कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, उनके लिए सबसे बढ़िया गिफ्ट हमारी कंपनी तरफ से है कि फीमेल आराम से चला सकते हैं, इसका 110 किलो के आसपास वज़न होने वाला है। तो एक्टिवा के अगर आप चलाते हैं तो इसको आराम से चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है, माइलेज तो बढ़ेगा। और उसके बाद मेरे कमेंट सेक्शन में काफ़ी बंदों का आते हैं, कमेंट आते हैं कि हमारे पास ओकिनावा प्रेज है और उसमें लेड एसिड वाली वेरिएंट उनके पास है, तो उसका बैटरी का परफॉर्मेंस और बैटरी का एवरेज, मतलब कि वे लोग कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि एक दो टिप आपने बताया कि भाई चलाने के ऊपर भी होता है कि कोई बंदा बार बार ब्रेक मार रहा है या बार बार उसको एक्सीलेटर दे रहा है, इसके अलावा और कुछ इसमें टिप या ट्रिक्स कुछ ऐसे हैं जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हो? इस चीज़ के लिए हमने पर्सनल लेवल पे तो हम लोग मतलब बताते हैं, लेकिन डीलर एंड पे भी क्या होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन बताते जाती हैं, कुछ रह जाती हैं। अगर मैं वर्बल की बात करूं, कस्टमर कुछ चीज़ों को लेता है, कुछ को भूल जाता है। कंपनी ने इसमें बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया अभी, और कंपनी ने ये कराया अभी कि इस फाइनेंशियल ईयर से जितने भी हमारे ओकिनावा के बिल होंगे, व्यूवर्स को मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा, आपके अगर आसपास कोई भी डीलर से आप गाड़ी लेते हैं उससे ऐसा कोई भी बिल ना लें जिसके पीछे एक प्रिंटआउट दिया हुआ है कंपनी ने, कि अपने बिल के पीछे आप वो प्रिंटआउट लगाएंगे, उसके अंदर लिखा हुआ है कि आप बैटरीज को कैसे यूज़ करें। अगर ये 8-10 पॉइंट्स पे आप काम करेंगे, आपकी बैटरी की लाइफ 1.5 गुना बढ़ेगी, आपका माइलेज भी ज़्यादा आएगा और परफॉर्मेंस भी अच्छी आएगी। अच्छा सवाल सर ने पूछा, इस चीज़ का मैं प्रिंटआउट मैं आशीष जी को भी दूंगा। मैं चाहूँगा कि अपने उस पे ये लिंक उस पेज का डाल दें, जिससे सब लोग उस पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं। 5-6 पॉइंट्स मैं आपको जनरल बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल,